मंगलवार व्रत कथा की विधि। सर्व सुख रक्त विकार राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन रात में एक ही बार ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावें और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। मंगलवार व्रत की कथा। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। वह घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद शम भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी तथा हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहे, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसकी दर्शन देकर अंतर्धान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्न चित्त सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देख ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह कुर्ता व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चलाया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया तो पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहे, ये बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को कुर्ता क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। मंगलवार की दूसरी कथा। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसको मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो घर को लिपती और न पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी को लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रति हो इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती, कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीप दे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना होगा। बुढ़िया कहने लगी कि महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा करेंगे उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा कि जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह अभी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात है
कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, क्या यह संभव है कि अभी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपा करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई त्यो ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुँचेगा। इति मंगलवार व्रत कथा समाप्तम। अथ मंगलवार के व्रत की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न आके, अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवी डा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुदिलाए, लंका सी कोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार ने लाई, लंका जार यसुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाय सजीवन प्राण उबारे, पैठ पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाए भुजा असुर संघारे, दाहिने भुजा संत जन पारे, सुर नर आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोछाई, आरती करते अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, वैसी बकुट परम पद पावे, आरती कीजिए हनुमान लला, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की।